हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीनाज किचन और आज मैं बनाने वाली हूँ घी की बर्फी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली घी की बर्फी आज मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, घी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घी को छील कर धोकर रख लिया है और अब मैं इसको कद्दूकस करूँगी। ये देखिए, घी को मैंने पहले छील लिया है और अब मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने घी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और सारा घी मैंने कस लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको हाथों से निचोड़कर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी। देखिए, मैंने घी का सारा पानी हाथों से निचोड़ लिया है और एक प्लेट में मैंने अलग से निकाल लिया है इसको, और ये जो इसका पानी है इसे मैं फेंक दूंगी। अब मैंने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और मैंने करीब 2 चम्मच देसी घी इसमें डाल रही हूँ और इसे मेल्ट होने देती हूँ। और उसके बाद जो ये घिया मैंने पानी निचोड़ कर रखा है इसे भी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। इस तरह चलाते हुए इसका पानी मैं सुखा लूंगी अच्छी तरह से और उसके बाद ही मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो पहले मैं इसको अच्छे से भून लूंगी और इसका पानी सुखा लेती हूँ। 5 मिनट तक घी को भूनने के बाद मैं ये वाली 2 कटोरी फुल चीनी मैं अपने घी में डाल दूंगी और फिर उसके बाद चीनी डालने के बाद हमारे घी की कंडीशन कैसी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं घी का बैटर हमारा चाशनी के साथ पककर गाढ़ा हो रहा है और मैं आपको बताऊंगी मुझे इसे किस फॉर्म तक पकाना है। आप देख सकते हैं बैटर धीरे धीरे कितना गाढ़ा हो रहा है और अब मैं इसको चेक करूंगी एक प्लेट पर निकाल कर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा बैटर कितना गाढ़ा हो गया है पकते हुए, और अब मैं इसे चेक करती हूँ। चेक करने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है और ये थोड़ा सा बैटर मैं लेकर इस प्लेट में डालूँगी। करीब ये देखिए 1/2 चम्मच बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इसको ठंडा होने के बाद इसको गोल गोल कर कर देखूँगी। अगर हमारा बैटर अच्छे से टाइट होता है, बंधने लगा है, तो समझिए कि हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और उसके बाद ही इसमें खोया डालना है। करीब 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए और अब ये बिल्कुल थिक हो गया है। तो अब भी मैं इसे दोबारा चेक करूँगी एक प्लेट में डालकर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये गाढ़ा हो चुका है और इसी के बाद इसमें खोया डलेगा। तो इसे मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बैटर हमारा काफ़ी अच्छे से बंधने लगा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बंध रहा है और इसी पोजीशन तक हम अपने बैटर को पकाना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से थिक हो गया है और अब मैं इसमें खोया मिलाऊंगी। खोए को भी मैंने घी डालकर अच्छे से भून लिया है ताकि जब मैं इसे बैटर में डालूँ तो ये लिक्विड ना हो। तो उसके लिए पहले मैंने इसे 2 चम्मच घी डालकर इसे भून लिया है। पेस्ट हमारा अच्छे से थिक हो गया है, आप देख सकते हैं, और अब मैं इसमें खोया डालना शुरू करती हूँ। जो खोया मैंने भून कर रखा हुआ था वो भी मैं इसमें मिला लेती हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी चलाते हुए। इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर इसे मैं और पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस थोड़ा सा ही। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जो है घी की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। खोया मैंने मिला लिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी क्वांटिटी बनकर तैयार हो गई है और ये बिल्कुल बर्फी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा बैटर और बहुत ही बढ़िया घी की बर्फी इससे बनकर तैयार होगी। अब मैं गैस को मैं कर दूंगी बंद और इसके बाद लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा ये खाने वाला कलर, ग्रीन कलर,
जिससे कि हमारी बर्फी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है गैस से और आप देख सकते हैं बैटर कितना थिक होने लगा है। और अब मैं इसमें दो बूंद डाल देती हूँ खाने वाला कलर, ग्रीन कलर, जिससे कि इसमें काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर आ जाएगा और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। ये ऑप्शनल है, यदि आप इसे डालना नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इधर मैंने थाली को ऑयल लगाकर रख लिया है ग्रीस करके और इसी में मैं अपना बैटर डालकर फैलाऊंगी और इसकी बर्फी जमने के लिए रख दूंगी। देखिए थाली को मैंने पहले ही चिकना कर लिया है और अब मैं अपना बैटर थाली में डालकर फैला लूंगी और फिर इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने तक जमने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हो गई है और इसे चमचे की मदद से मैं एक सार फैला लूँगी जितनी भी मोटी या पतली आपको चाहिए बर्फी। देखिए कितनी बढ़िया घी की बर्फी बनकर तैयार हो गई है और ये धीरे धीरे सेट हो रही है। तो मैंने कुछ बादाम काट कर रख लिए हैं, वो मैं इस पर डालकर इनको भी हल्का सा हाथ से दबा दूंगी ताकि ये भी अच्छे से चिपक जाएं इसके ऊपर। तो इसी तरह से मैं सारी बर्फी के ऊपर बादाम लगा दूंगी। घी की बर्फी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये अच्छे से सेट भी हो गई है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं चाकू की मदद से। जितने छोटे या बड़े पीस आपको चाहिए उसी तरीके से आप इन्हें काट लीजिए और इन्हें काटने के बाद मैं निकाल लूँगी इन्हें एक प्लेट में इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारी कितनी बढ़िया घी की बर्फी बनकर तैयार हो गई है और ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।